में देख सकते हैं। तुम समझ रहे हो? होल देके चलेंगे वो होल देके। सो व्हाट्स अप माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, कैसे हो आप लोग? लेके आया आपके लिए फिर से न्यू व्लॉग, एकदम जोश के साथ बोले तो होश के साथ। फिलहाल हम बैरम करके एक प्लेस है वहाँ पे है, और हमारे साथ में एक और बाइक है जो कि सामने चल रही है, आपको दिखाता हूँ सामने जाकर। फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह निकालने के लिए। सामने एक टोल नाका है ना, वहाँ पे जा रहे हैं, एकदम बढ़िया सा शूट करते हैं। अगर आपको देखना हो रील्स पोस्ट वगैरह तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली अब लोकेशन के पास, और ये है वो दो बंदे। बोलो जुबा की से अंदर एंट्री नहीं होते गाइस। वो सिक्योरिटी गार्ड ने हमको मना कर दिया वहाँ पे शूट करने से, अभी दूसरे साइड से चलते हैं फिर देखते हैं, वहाँ पे कोई होगा नहीं तो वहाँ शूट करेंगे। सो गाइस फाइनली इधर साइड से कोई नहीं है, बट यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। मॉन्टी डीएक्स हमारे पूछने वाले हैं भैया से परमिशन लेके आएंगे वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वही है। टेंशन नहीं लेने का अपू ने। थोड़ा वीडियो निकालने से गाड़ी की, गाड़ी की वीडियो नहीं, इधर नहीं ले सकते, इधर अंदर के एरिया में कुछ नहीं कर सकते, कैमरे लगे सब। बैड लक। सो व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और फिलहाल जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ वो लोकेशन बैरम के पास में है, मतलब फरदवाड़ से 10-11 किलोमीटर पे। और फिलहाल हम इंस्टाग्राम के लिए रील्स और फोटो शूट करने कर रहे हैं अभी फिलहाल, जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बाकी हमारे बंदे वीडियो शूट कर रहे हैं। और मेरे साथ में भाई विजय दुर्वे, आप जैसे कि पता पहचानते होंगे, मोंटी डीएक्स इंस्टाग्राम में, और मुकुंद दहीकर, और भाई दूसरा है आयुष जावरकर। तो हम लोग आए हैं, मतलब बोर लग रहा था तो हमने सोचा चलो ठीक है इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं, बहुत दिनों से करा नहीं है। और ये देख सकते हो आप, और इतना बढ़िया लोकेशन है ना गाइस, ये सामने जो ये बंद वाला टोल नाका है, सो यहाँ पे शूट करने की परमिशन ले लिया हमने, हमको दे दिया था वो भैया ने, दूसरे वाले भैया ने, तो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और ये रील्स देखने के लिए जल्दी जल्दी जाइए, आईडी शो कर रही होंगी आपको स्क्रीन पर, जाके फॉलो कर लो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे चैन ढीली होगी, कैसे क्या होगी अभी कभी? वो ढीली हो गई, पहले से वैसी है कि अभी छुआ? मैंने कुछ स्प्रे मारने को सोचा था, बट एक्चुअली वो क्या हुआ, लेकिन एक सेकंड हुआ नहीं, वो चैन स्प्रे थोड़ा। देखो भाई वीडियो में आते ही भाई के एकदम भाषा बदल जाती है लैंग्वेज। एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ तुम समझ रहे हो? देखो आईफोन भी बता रहा हो, ठीक है ठीक है, दिख गया हमारे व्यूवर्स को। वो बताना नहीं आपने उधर जाने का, उधर जाने का भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी शो ऑफ इमा। सो फाइनली हमारा शूट हो चुका है और हम निकल गए भाई घर के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों राइडर। फिलहाल हेलमेट हमारा भाड़े पे गया है इन सभी का, तो हेलमेट नहीं है अभी। बंदर लोकेशन एकदम प्यारी है, अगर ये परदवाड़ा के पास में होती ना 5-6 किलोमीटर पे, तो यार प्रैक्टिस के लिए इतना सही प्लेस होती ना, कल तक रील्स अपलोड हो जाएंगे इंस्टाग्राम में। तो जल्दी जल्दी चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे जाके मिलती रहे। और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, इसका स्कार्प टंगा था गाइस और ये छोड़ के जा रहा था, कैसा इंसान है, तेरा सामान जाके छोड़ के लेके जा कैसे भुलक्कड़ लोग है, हट उम्र हो गई क्या, बराबर है बाल भी पक गए।
टूर पे जा रहा होगा इसमें, देखा जाए तो कैंपिंग के लिए जाने वाला हो अभी संडे सैटरडे संडे को, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा। कमेंट करके बताओ आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो वीडियो देखने के लिए। मतलब एक रात पूरी जंगल के अंदर गुजारने वाले हैं हम, देखते अब जो आएगा वो उसको लेके जाएंगे, जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा। क्या मज़ा आता है यहाँ पे लीन करने में, हवा हवा। जॉब मिल रही, ओ जॉब मिल रही कोई करता क्या? महीना भी मिल रहा बोलते क्या महीना दे रहे हो काका? अपन 6000 वो महीना देते ना, 6000 रुपये महीना। देखो वो मंडू भैया वही तो बोल रहा था, अरे जाओ ना जाओ ना, 6000 मिल रहे ना बाकी। नोट तो इज्जत नहीं है, गाड़ी भी लेके घूमेगा ना तो इज्जत नहीं करेगा कोई तो पैसे भी लेके घूम रहे ना। हाँ देखो 10 रुपए लेके घूम रहे हैं। हेलो भैया, नहीं तो स्टैंडर्ड बना बता रहा है, इधर क्या है कुछ नहीं है। काका भी मजा ले रहे हट क्या है तो वो पता ही कंटेंट मिल गया अपने को कंटेंट। सो गाइस ये है बहरम और यहाँ की यात्रा फेब्रुआरी में शुरू होने वाली है, अभी कोरोना के चलते बंद था इतने टाइम तक, बट अब फिर से यार शुरू हो जाएगी। और बाद वो सामने है मंदिर, दिख रहा है ना आपको ऊपर वहाँ पे मंदिर। रेसिंग लगा लेते बोला, रेसिंग रेसिंग बेसिकली भाई बोल रहा है जब से जट प्रभजोत का एक्सीडेंट हुआ है तब से दिल ने बोल दिया कि भाई धीरे चलाओ गाड़ी, और सही है भाई धीरे चलाना चाहिए गाड़ी। ये हाईवे रेस्टोरेंट अभी तो फिलहाल ऐसे नाम ले ले रहा मैं, बाकी जाके अपने को स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है ना ब्रो तब लेंगे इनसे पैसा। और भाई भाई देखो फोटोशूट वाले भैया, भाई लिटरली ब्रो आज बहुत सारे लोग फोटोशूट के लिए निकले हैं। ये देखो है मस्ती मस्ती ब्रो, मस्ती का हस्ती ब्रो, ये बात ये होता है फन टोल के बीच निकालेंगे। अरे मस्ती का हस्ती ब्रो, फैंसी स्टैंड वो चल रहा है भाई ट्रेंडिंग में। और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा पता है? क्योंकि इस पर हमारा रील्स आने वाला है ना ब्रो, जाके चेकआउट करो ना ब्रो इंस्टाग्राम में। टायरों का बढ़िया सा प्रयोग किया गया है यहाँ पे, वो फार्म हाउस है भाई उधर इसलिए इतना सजा के रखा है। गाइस कमेंट डाउन करो जिसको जिसको अपाची 160 का रिव्यू चाहिए, मतलब एक राइड एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी जिस टॉपिक पे जिसको वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट कर दो, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बना दूँगा ठीक है। और ये भी कमेंट कर दो हमारे NS 160 को हो गए 1 ईयर, सो 1 ईयर एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, इसके लिए वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट डाउन करो मैं बना के दूंगा। जैसे मेरे को 4-5 भी कमेंट मिल गए ना भाई मैं बना दूंगा ठीक है। होल देके चले गए, होल देके लिटरली भाई होल देके चले गए। अब तो जाएंगे अपन भी